हेलो दोस्तों, वीके टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेगापिक्सल कैमरा और 8000 एमएच की बैटरी के साथ रेडमी का 5G मोबाइल लॉन्च हो गया है। तो आप जानते होंगे कि रेडमी एक बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है, कमाल के फीचर्स के लिए जाना जाता है। साथ ही रेडमी का यह फ़ोन बहुत ही शानदार कैमरा क्वालिटी के साथ आई है और भारत में लॉन्च हो गई है। इस फोन में आपको फीचर्स के साथ दमदार बैटरी देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और रेडमी नोट 13 प्रो मैक्स में आपको 6.7 इंच प्लस फुल HD प्लस अमूल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। साथ ही स्मार्टफोन में अक्टा कोर स्नैपड्रैगन 1200 प्लस जी का चिपसेट लगा है, जो कि लेटेस्ट चिपसेट है। और यह रेडमी नोट 13 प्रो मैक्स का शानदार चिपसेट है, जिससे कि मोबाइल स्मूथ चलते हैं और गेमिंग प्रोसेस भी आसानी से चलेगा। फ़ोन में आपको 8000 mAh की ज़बरदस्त बैटरी और 120 वाट की चार्जिंग देखने को मिलने वाली है, जिससे कि यह बैटरी आपको 2 से 3 दिनों तक लगातार चलने वाली है। और इतनी बड़ी बैटरी होने के चलते 3 दिन तक तो यह आराम से चलेगी, जिसे कि आप चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कैमरा की बात करें तो आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 48 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, जो LED फ्लैश के साथ आती है। कैमरा क्वालिटी भी इसमें दमदार दिया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा क्वालिटी है, जिससे कि सभी वन प्लस आईफोन जैसे मोबाइल में देखने को मिलेगा। 200 मेगापिक्सल का यह कैमरा बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा क्वालिटी है। साथ ही इस मोबाइल में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाली है। कनेक्टिविटी में आपको 5G, 4G, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट जैसे सभी सुविधाएं इस मोबाइल में देखने को मिलने वाली हैं। बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाली है दोस्तों, जो इस मोबाइल को और भी बेहतरीन बना देती है। तो इसकी कीमत आपको 35 से 40 हज़ार में यह मोबाइल आपको मिल जाएगी। थैंक यू।